जेम्सी के पास ही। या हाँ जी, मैं पर्सी जैसे बात करूंगा चर्च की। जी चर्च है बड़े फेमस जो चंडीगढ़ में और जलंधर में भी है, जी वही बात करते हैं। जी तो उनके चर्च में जैसे कलकत्ते से एक बहन, उनकी वीडियो देखकर यूट्यूब या फेसबुक पर, उनका बेटा बीमार था, उनकी फैमिली में और कोई है नहीं, अकेला बेटा और वो थे बस दो जने। तो उन्होंने उनकी वीडियो देखकर, जैसे उनका बेटा बीमार था, तो वो कलकत्ते से यहाँ जलंधर आ गए उनके पास प्रेयर करवाने के लिए। तो जी जब वो संडे है तो इमरजेंसी सेक्शन वार्ड पर रखा गया और उनको बोला गया कि प्रेयर की जाएगी। जब प्रेयर की बारी है तो उन्हें बोला कि पहले 25,000 रुपया जमा कराओ, फिर जी प्रार्थना की जी जाएगी, अगर पैसे नहीं जमा कराओगे तो अपने बेटे को उठाकर ले जाओ। तो अरे बाप रे पास्टर जी, मुझे जब मैं हॉस्पिटल में था तो वहां वो बहन रो रही थी क्योंकि डॉक्टर ने उसके बेटे को जवाब दे दिया था। तो जब मैंने उनको प्रभु के बारे में बताया तो उन्होंने बताया कि मैं क्रिश्चियन ही हूँ, मैं प्रभु में हूँ, लेकिन मेरा प्रभु से विश्वास उठ गया है। अरे बाप रे उन्होंने मुझे ये घटना बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने उसी टाइम उनको काउंसलिंग की समझाया, लेकिन पाश्चात एक बार नहीं बहुत बार हो चुका है जलंधर में चंडीगढ़ में, कि पैसे लेकर जब प्रार्थना की जाती है तो अगर हम मसीह मसीह लोगों को समझाते रहेंगे, इनको देखेंगे, तो अन्य जाति की तरफ कब जाएंगे पाश्चात जी हम? राइट कि अगर पूरी जिंदगी हम इनको ही देखते रहे, इनको ठीक करते रहे, राइट लोगों के इनके बारे में समझाते रहे, तो मुझे लगता है अन्य जातियों की तरफ जाते जाते हमें समय लग जाएगा काफी। जी 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 जैसे पास्टर जी इनके चर्च में एंट्री करो, एक तो ये पेपर देंगे एंट्री करते कि आप इसमें अपना दान दशमांश डालो, दूसरा बाइबल नहीं ये अपनी छपी किताब देंगे कि हमारी ओके किताब को पढ़ो तो ओके परमेश्वर आपको हमारे जैसा ब्लेस करेगा। जैसे ओके हमने अपना बिजनेस खोला है, ऐसे आप भी खोलो अपना बिजनेस। अच्छा लोग भरमा रहे हैं और प्रभु यीशु को तो इन्होंने जलंधर में, आप लगवा लो, मैं जलंधर से हूँ, जी लोग ये नहीं है बता रहे कि वचन के द्वारा सब कुछ होगा, बस लोगों को यीशु मसीह के बारे में नहीं, वचन के बारे में भी नहीं, इतना बता रहे हैं कि यीशु एक डॉक्टर है या यीशु एक शेयर मार्केट वाला है, कि पैसे दोगे तो वो डबल ट्रिपल करके आपको वापस देगा। मतलब हो अच्छा ओके ओके अगर ओके आप दोगे कुछ, बोगे 10% 20% तो आपको वो डबल करके वापस देगा, जी नहीं बोगे तो आप सारी जिंदगी। अच्छा और अगर आप, हाँ जी, अगर बात करें पास्टर जी की, जैसे आपने अन्य भाषा में जो बताया समझाया, तो जी मैंने एक लेडी से बात की थी, तो उन्होंने कहा, मेरे स्पिरिचुअल फादर हैं, उन्होंने कहा कि बिना अन्य भाषा के पवित्र आत्मा आपके पास नहीं हो सकता। तो जी जैसे आपने मुझे हमें बताया, तो मैंने उनको वैसे समझाया, तो वो मुझे श्राप देने लग गए कि अच्छा हमारे पास अगर ऐसा है तो उनको श्राप देना, वो मुझे श्राप देने लग गए अरे बाप रे कि आप ऐसे हो जाओगे, ये हो जाएगा आपका, आप माफी मांगो नहीं तो प्रभु आपको ऐसे कर देगा वैसे कर देगा। ओके ओके और वो इसलिए क्योंकि आपने अन्य भाषा में बात नहीं की। अरे हाँ जी, कि मैं बाप अन्य रे भाषा में बता रहा था कि आप अन्य भाषा में बात नहीं कर सकते, नॉन बिब्लिकल है। हाँ जो जैसे हमने ग्लोसा को लेकर वैसे उनको सारा समझाया, बट वो कह रहे कि नहीं, ये हमारे स्पिरिचुअल फादर तो ऐसे बोलते हैं, वैसे बोलते हैं, ऐसे कहते हैं। जी। ओके नाउ साइमन जी मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे लेकिन मेरे साथ में बने रहेंगे ठीक है ना। और बाकी जितने लोग हैं जूम पे वो भी बने रहे। सबसे पहली चीज़ आप जितने लोग अभी देख रहे हैं 850 के आसपास आप लोग मेरे साथ में जुड़ गए फेसबुक और यूट्यूब दो प्लेटफॉर्म से। सबसे पहली चीज़ दो तरह की कलीसिया हो गई है जो मुझे दिखाई दे रही है। दो तरह की कलीसिया हो गई है, एक है ईशु की कलीसिया और दूसरी है पास्टरों की कलीसिया। या रिपीट कर दूं, एक है ईशु की कलीसिया और दूसरी है पास्टरों की कलीसिया, मतलब लीडरों की जो चर्च को बना के रखे ना उनकी कलीसिया। एक चर्च जहां ईशु का राज्य चलता है, यीशु जैसे कहते वैसे चलना चाहिए, दूसरा है जहां पास्टर कैसे कहते वैसा चलना चाहिए। और यही पहचान आप लोगों के बीच में हम कराने के लिए ये स्टेट टू स्टेट प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं प्रति सप्ताह 2 दिन। आज पंजाब का दूसरा दिन है जिसको आखिरी दिन कहेंगे और हमने सेलेक्टेड लोगों को ही यहाँ पे लाया है। सबको ला सकते थे लेकिन सेलेक्टेड लोगों को ही यहाँ पे लाया गया ताकि उनको उनकी बातें अभी ब्रदर साइमन जैसे बोल रहे हैं वैसे आपके तक इन बातों को पहुंचाया जाए। सबसे पहली चीज मुझे नहीं समझ में आता है कि पैसे को लेकर, जैसे मैंने कल भी कहा, पैसे
पैसे नहीं दोगे तो प्रार्थना नहीं होगी। अब आप सोच के देखिए ऐसे लोगों की अंत यीशु कैसे करेगा। जैसे अभी कल मैं बहन से बात कर रहा था कनाडा वाली, वो कह रही थी कि उद्धार पा लिया है, दैट्स इट, क्योंकि उन्होंने किसी को सुना रखा होगा। तो मैं आपको भी बता दूं कि उद्धार पाने के बाद आपकी हरकतें आपको स्वर्ग पहुंचाएगी। आपकी हरकतें अगर बिगड़ी हुई है, वचन के बाहर हैं, तो गई भैंस पानी में। वो चाहे सेवक हो या साधारण चर्च का व्यक्ति हो, पैसे का चक्कर मसीह के साथ नहीं होता। एक और अच्छी बात साइमन ने बोली, उन्होंने कहा कि हम कब तक विश्वासियों के पास या विश्वासियों के लिए ही काम करते रहेंगे, अविश्वासियों के पास में हम कब पहुंचेंगे। तो उसको रख कर बोलना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम अविश्वासियों को क्यों हम सुना रहे हैं, पब्लिकली प्लेटफॉर्म पे क्यों ये बातों को रख रहे हैं, ताकि सब तक ये बातें पहुंचे। वो इसीलिए ताकि उनको भी पता चले कि ऐसे दो तरह के चर्चेस हैं दुनिया में। एक ईशु की कलीसिया जहां टोटल ईशु के मुताबिक चलती है, ना पैसे मांगे जाते हैं, ना जिब्रिश बोली जाती है, ना नीचे गिराया जाता है, ना किसी प्रकार का लूटपाट होता है, ना किसी प्रकार का संसारिक बातें होता है, पिक्चर के गाने, डीजे, शराब पीना, ऐसे सभी चीज़ों से जो है वचन जैसे कहता है ऐसी कलीसिया चलती है। दूसरी कलीसिया जहां जैसा लीडर को ठीक लगता है तुम पी सकते हो, जैसे कल समीक्षा जी कह रही थी तो पी लो, अभी साइमन साहब कह रहे हैं यहां पैसे मांगे जाते हैं, और भी बहुत सारी बातों को उन्होंने जो है रखा है। और आपने सुना है किसी को स्पिरिचुअल फादर बुलाने वाला कॉन्सेप्ट, चर्च में घुसते ही पैसे देने वाली बातें, और ना जाने क्या क्या, इसको कहते हैं ना मार्केट बना के रखा हुआ है, बाजार। यीशु ने पहला चमत्कार क्या किया था, पानी का दाकरस, लेकिन उसके ठीक बाद यीशु कहां पहुंचे, सीधा मंदिर, सीधा मंदिर। और जाते उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर जो वहां गैम्बलिंग कर रहे थे, जो परमेश्वर के घर में उस वक्त के मुताबिक, आज तो हम सब परमेश्वर के मंदिर हैं, उस वक्त जो वहां पर बाजार चला रहे थे उन सबको भगा दिया और क्या कहा, ये मेरे पिता का भवन है, प्रार्थना का भवन हिंदी में, और इंग्लिश कहता है सेविकाई, इन कॉन्टेक्स्ट में सेविकाई, यीशु का घर प्रार्थना सेविकाई, आत्माओं को बचा रहा है। लेकिन क्या बना दिया, डाकू का अड्डा। अब आप सोच के देखिए उस वक्त में अगर ये कर सकता था लूसीफर, आज क्यों नहीं करेगा, बस इसी की पहचान करा रहे। सो थैंक यू साइमन साहब।